हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का। और आज हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर के बारे में। इसके फर्स्ट पेपर का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत 5 यूनिट हैं। पहले यूनिट में राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं और उसकी संरचना, राष्ट्रीय आय की माप व सामाजिक लेखांकन, से का बाजार नियम और केन्स का विरोध, केन्स का उत्पादन और रोजगार सिद्धांत, प्रभावपूर्ण मांग व कुल पूर्ति फलन आता है। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें उपभोग फलन, विनियोग के सिद्धांत, स्वतंत्र और प्रेरित विनियोग, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, विनियोग गुणक व उसका कम विकसित देशों में प्रभाव, किन्स का सिद्धांत और अविकसित राष्ट्र, ब्याज की दर, परंपरावादी व आधुनिक सिद्धांत, ब्याज का किन्स का सिद्धांत आता है। और अगर यूनिट 3 में देखें तो इसमें व्यापार चक्र के अंतर्गत जो भी लेसन्स आते हैं वो सब शामिल होते हैं। व्यापार चक्र सर्वप्रथम प्रकृति और विशेषताएँ, इसके बाद व्यापार चक्र का हाट्रे और हेयक का सिद्धांत, इसके अलावा किन्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत, हेक्स और सैमुएलसन का विचार, फिर उसके बाद है व्यापार चक्र पर नियंत्रण। चौथे यूनिट में हम देखते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थ और महत्व, अंतर क्षेत्रीय व्यापार व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तुलनात्मक लागत सिद्धांत, तुलनात्मक लागत के सुधार, अवसर लागत का सिद्धांत, एक्सचर ओलिन का व्यापार सिद्धांत, व्यापार की शर्तों की अवधारणा, प्रशुल्क और अभ्यंश, अनुकूलतम प्रशुल्क का अवधारणा, व्यापार और भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन में साम्यता और असाम्यता, अवमूल्यन के तुलनात्मक गुण, दोष और सीमाएं, विदेशी व्यापार गुणक। यूनिट 5 में देखें हम लोग तो यहाँ पर हम लोग को बैंकिंग विश्व बैंक का दिखता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक के कार्य, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था व सुधार, भारत का विदेशी व्यापार, भारत का भुगतान संतुलन, भारत की आयात निर्यात नीति, भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स पर ये राइट टिक के निशान लगे हुए हैं कि जो भी निशान है ये इम्पॉर्टेंट लेसन्स को दिखा रहे हैं। बाकी लेसन्स भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन जिनमें ये टिक लगा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स का सेकेंड पेपर आ जाता है। इकोनॉमिक्स के सेकेंड पेपर में मुद्रा, बैंकिंग और लोकवित्त के बारे में दिया हुआ है। यूनिट 1 में मुद्रा की परिभाषा, कार्य, महत्व और वर्गीकरण, उसके अलावा ग्रेसम का नियम, मुद्रा का मूल्य निर्धारण, मुद्रा स्फीति, लागत प्रेरित और मांग प्रेरित स्फीति, मुद्रा विस्फीति, इसके बारे में बात की गई है। यूनिट 2 में बैंकिंग है जिसमें बैंक का अर्थ और प्रकार, व्यापारिक बैंकों के कार्य, शाख निर्माण, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, सस्ती मुद्रा नीति, बैंक की स्थिति विवरण, भारत में व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक के कार्य, शाख नियंत्रण की रीतियां, भारतीय रिजर्व बैंक और मौद्रिक नीति के बारे में बात की गई है। यूनिट 3 में हमें राजस्व के बारे में दिखता है। राजस्व, लोकवित्त, अर्थ, प्रकृति क्षेत्र, सार्वजनिक व निजी वस्तुएँ, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय, अर्थ और सिद्धांत, भारत में सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि के कारण। यूनिट 4 में सार्वजनिक आय और कर के बारे में दिया हुआ है। सार्वजनिक आय के स्रोत, करों का वर्गीकरण, करारोपण के सिद्धांत, कराघात, करापात और कर विवर्तन, कर देय क्षमता, केंद्रीय और राज्य सरकारों के आय स्रोत। यूनिट 5 में यहाँ पर हम लोगों को बजट का मेन दिखाया गया है कि बजट कैसे तैयार होता है, क्या क्या उसमें प्रक्रिया है बनने की, उसके बारे में बात की गई है। सार्वजनिक ऋण सिद्धांत एवं शोधन विधियां, भारत में सार्वजनिक ऋण का विकास, बजट की अवधारणा और प्रकार, बजट का आर्थिक और प्रक्रियात्मक वर्गीकरण, भारत में बजट निर्माण और पारित प्रक्रिया, ये पांचवा यूनिट बहुत मस्त है। इसके बाद इतिहास अगला सब्जेक्ट है हम लोग का। इतिहास, इतिहास में अभी दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर में भारत का इतिहास, सेकंड पेपर में विश्व का इतिहास दिया है। फर्स्ट पेपर भारत के इतिहास का फर्स्ट यूनिट में सल्तनत कालीन और मुगल कालीन इतिहास के स्रोत, सल्तनत काल का प्रारंभ और सुदृढ़ीकरण, ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया, बलबन, फिर उसके बाद तैमूर का आक्रमण, खिलजी वंश और तुगलक वंश है। यूनिट 2 में मुगल साम्राज्य की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, बाबर, हुमायूं, अकबर, इसके बीच में शेरशाह सूरी भी है।
फिर इसके बाद मुगल शासकों की नीति, राजपूत और हिंदू नीति, मुगल शासकों की धार्मिक नीति, अकबर से लेकर औरंगजेब तक, ये आपके यूनिट सेकंड में आता है। यूनिट थर्ड में सल्तनत कालीन सामाजिक आर्थिक दशा, मुगल कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और विभिन्न सामाजिक आर्थिक दशा, उलेमा, सामंत, मनसबदार, किसान, स्त्रियों की स्थिति आदि का विवरण है। यूनिट फोर के बारे में बात करें तो इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक दशा, भक्ति और सूफी आंदोलन, मध्यकालीन कला स्थापत्य, मध्यकालीन शिक्षा व साहित्य के बारे में दिया हुआ है। यूनिट फाइव में मुगल साम्राज्य का पतन, शिवाजी की शासन व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य, स्पेशली कृष्णदेव राय के बारे में, उसके बाद है बहमनी राज्य के बारे में। हिस्ट्री का सेकंड पेपर विश्व इतिहास, जो कि 1789 से 1871 तक होता है, इसमें है यूनिट वन में नेशनल कन्वेंशन और डायरेक्टरी शासन, नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान और उपलब्धि, नेपोलियन बोनापार्ट का पतन। यूनिट सेकंड में है वियना कांग्रेस और यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, अनुदारवाद और मेटरनिक, 1830 और 1848 की क्रांति के कारण और परिणाम। यूनिट थ्री में है औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में उदारवाद, 1837 और 1867 में सुधार और चार्टिस्ट आंदोलन। यूनिट फोर में हम लोगों को नेपोलियन तृतीय, पूर्वी समस्या और क्रीमिया युद्ध के बारे में पढ़ना है। और यूनिट फाइव आता है हम लोगों का रूस और यूरोप का राष्ट्रवाद, इटली व जर्मनी का एकीकरण। इसका सेकंड पेपर इतना ही है, अच्छा है, छोटा है और पढ़ने में ईजी है, अच्छे से समझ आ जाता है। इसके अलावा अब हमारे थर्ड सब्जेक्ट यानी पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात होगी। पॉलिटिकल साइंस में भी दो पेपर हैं, पहला पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और सेकंड पेपर है तुलनात्मक राजनीति के बारे में। आइए पहला पेपर देखते हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का। यूनिट वन में प्लेटो के बारे में बात की गई है, आदर्श राज्य की अवधारणा, शिक्षा, साम्यवाद, दार्शनिक राज्य और न्याय के उसके जो सिद्धांत हैं उसके बारे में। यूनिट वन में अरस्तु भी शामिल है, जिसमें राज्य का दृष्टिकोण, संविधानों को वर्गीकरण और उसके दास्ता का सिद्धांत शामिल है। यूनिट सेकंड में मैकियावेली, राज्य एवं शासन, धर्म और नैतिकता का संबंध और मैकियावेली की देन के बारे में अध्ययन है। और इसमें ही हॉब्स लॉक, रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत और रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में बात की गई है। यूनिट थर्ड में बेंथम का उपयोगितावाद, जेएस मिल क्या राज्य स्वतंत्रता अधिकार और प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार के बारे में वर्णन है। यूनिट फोर में हेगल का राज्य संबंधी और द्वंद्ववाद संबंधी विचार है, टीएच ग्रीन का राज्य व शासन संबंधी विचार, स्वतंत्रता और राज्य दर्शन को देन के बारे में बात है। यूनिट फाइव में ओनली मार्क्स के बारे में बात की गई है, मार्क्स के द्वंद्ववाद, भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या और मार्क्स ने पॉलिटिकल साइंस को जो गिफ्ट दिए हैं उसके बारे में बात की गई है। यही हम लोगों का फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस का पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पेपर के बारे में, जिसमें है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। तो इसमें हम लोगों को चार देशों के बारे में अध्ययन करना है, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और स्विट्जरलैंड। इन सब में तुलनात्मक रूप से अध्ययन भी किया जाना है। यूनिट वन में देखते हैं, यूनिट वन में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और समस्या के बारे में है। तुलनात्मक राजनीति के उपागम स्पेशली डेविड ईस्टन और आमन पावल का सिद्धांत। इसके अलावा संवैधानिक परंपराएं और विशेषताओं के बारे में बात की गई है। इन चारों देशों की विशेषताएं जो भी हैं संविधान की, वो भी इसमें दिया हुआ है। यूनिट सेकंड में कार्यपालिका, सभी देशों की कार्यपालिका इन चार देशों की कैसे काम करती है, किस प्रकार की है, उसके बारे में बात है। अर्थ, प्रकार, कार्य एवं शक्ति और इन सभी देशों के बीच का तुलनात्मक अध्ययन। यूनिट थर्ड में विधायिका, संगठन कार्य, द्विसदनीय व्यवस्थापिका का पक्ष विपक्ष और तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड की विधायिका का तुलनात्मक अध्ययन। यूनिट फोर न्यायपालिका, इसमें भी चारों देशों की न्यायपालिका का कंपैरिजन करके बताया गया है। इसमें संगठन कार्य, स्वतंत्रता, महत्व, विधि का शासन और न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की गई है कि कहाँ कहाँ न्याय व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है कि नहीं दी गई है कोर्ट को, विधि का शासन है या नहीं। और इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था की गई है या नहीं, इसके बारे में बात की गई है। यूनिट फाइव में अगर हम देखें तो इसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अवधारणाओं के बारे में बात की गई है। इसमें है समाजीकरण की अवधारणा, राजनीतिक दल, विशेषताएं और महत्व, दबाव समूह का अर्थ, प्रकार, परिभाषा और महत्व, राजनीतिक प्रक्रिया में नारी की भूमिका। तो ये हमारा
इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस BA सेकेंड ईयर के लिए। और आगे भी हम ऐसे ही आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए स्टडी स्केल के साथ में। धन्यवाद।